हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम, आप सबों का मेरे झारखंड किंडो टेरेस गार्डन में फिर एक बार स्वागत करती हूँ। मैं एक सप्ताह के लिए बाहर चली गई थी और वीडियो तो मैं डाल रही थी, तो चलिए कुछ अपडेट दिखाती हूँ। क्योंकि घर पर कोई नहीं थे, बच्चे थे, तो बहुत से पौधे में पानी तो डाल रहे थे लेकिन कुछ कुछ छोड़ भी दे रहे थे। डेली पानी नहीं डालने के कारण कुछ पौधे मर भी गए हैं। तो चलिए आज थोड़ा सा दिखाती हूँ, उसके बाद में आप सबों को हार्वेस्ट भी दिखाऊंगी। देखिए ये तुराई का पौधा, इसे भी भूल गए थे पानी डालने के लिए, और देखिए किस तरह से सूख गया है। क्या कर सकते हैं। और ये सेम का पौधा भी देखिए कितना पत्ता वगैरह पीला पड़ गया है। शायद एक आध दिन ये लोग पानी नहीं डाले होंगे। फल तो हो ही रहा था, अब देखते हैं ये कैसे होता है। और टमाटर तो देखिए अच्छा ही है, और इसमें देखिए अभी बहुत सारे फूल लग गए हैं। देखिए सभी पौधों में, कुछ कुछ में तो खिलने भी लग गए हैं। और बहुत ही बड़ा बड़ा साइज का पौधा हो गया है। देखिए और अरबी का पौधा भी उसी तरह से, धूप और पानी की कमी से देखिए इसका पत्ती एकदम सिकुड़ने सा हो गया है। देखिए इस तरह से। और कुछ कुछ हार्वेस्ट करना है। मेरा एक करेला का पौधा तो बिल्कुल ही मर गया, और कुछ कुछ नीचे निकला हुआ है, तो पुराने पौधे को हटा दूंगी तो नया पौधा फिर से बढ़ने लग जाएगा। देखिए यहाँ पर लौकी का पौधा, ये भी अब नर फूल खिलने लग गया। देखिए लेकिन अभी तक कोई मादा फूल नहीं आया है। शायद किसी जगह में देखी थी, कली बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, और मेरा धनिया भी देखिए, इससे भी पानी नहीं दिए थे लग रहा है, और सूख गया। कितनी अच्छी तरह से हुआ था, लेकिन अब देखते हैं ये ठीक शायद उग जाएगा। इसका पत्ती एक बार भी इसे हार्वेस्ट नहीं की थी, हार्वेस्ट के लायक हो ही गया था। और यहाँ पर देखिए मिर्च का पौधा, छेवो पौधा अच्छा है। और देखिए बैंगन तो बहुत ही अच्छी तरह से, इतना बड़ा एक सप्ताह के अंदर ही मैं छोटा छोटा सा छोड़ के गई थी, लेकिन इसमें अब देखिए ये देख कली भी आने लग गया है इस वाले पौधे में। यहाँ पर भी देखिए, और इसका तो अभी तक नहीं, सफेद वाइट वाला का, तो सफेद वाला का अभी तक नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब वीडियो लंबा हो जाएगा, हार्वेस्ट दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए मेरा लोबिया, ये जो नया पौधा है उसमें भी अब कली आने लग गया है। और देखिए कुछ कुछ तो छोटा छोटा सा फल भी आने लग गया। देखिए जब फलने लगता है तो पानी का ज्यादा जरूरत होता है, तो बच्चे शायद इसमें भी पानी डालना भूल गए थे, तो यहाँ भी पीला पीला सा पत्ता हो गया। और लोबिया तो देखिए फल गया था, लेकिन बच्चों को पता नहीं था तोड़ना कि कितना में इसे हार्वेस्ट करते हैं। तो ये देखिए
इतना बड़ा बड़ा सा हो गया और ये बूढ़ा भी हो गया है। चलिए अब इसे ही हार्वेस्ट करती हूँ। चलिए अब देखते हैं, कुछ सेम भी होगा। मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि इसमें ये देखिए रेड माइंड का अटैक हो गया है। आपको दिख रहा होगा या नहीं, एकदम छोटा छोटा सा लाल लाल सा हो जाता है इसके पत्ते के पीछे। शायद आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अब इसमें का भी आज हार्वेस्ट करूंगी सभी पौधों का, और शाम में दवाई का छिड़काव कर दूंगी। देखिए जितना भी ये सेम में जो पीला पीला पत्ता था उसे मैं सब झाड़ दी हूँ, और शाम में इसमें दवाई का छिड़काव कर दूंगी रेड माइंड के लिए। और चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले भाजी का हार्वेस्ट करती हूँ। देखिए मेरा भिंडी भी उसी तरह से पीला पीला सा हो गया, इसे भी पानी की कमी हो गई। और इसका तो इतना भिंडी है, बच्चे बिल्कुल ही इसका हार्वेस्ट नहीं किए हैं, उसे पता ही नहीं था। चलिए मैं हार्वेस्ट करती हूँ।
लिए अब नए पौधों का आज फर्स्ट हार्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए अब तुराई का हार्वेस्ट करती हूँ। इसे मैं सोच रही हूँ बीज के लिए छोड़ दूँ क्योंकि ये बूढ़ा हो गया है। देखिए आज मैं एलोबिये का लॉन्ग बीन्स का कितना फर्स्ट हार्वेस्ट की हूँ और कितना तोड़ी हूँ आप सब हमको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर है आधे केजी से थोड़ा ज़्यादा होगा और थोड़ा सा सेम है। तुराई भी एक केजी से ज़्यादा है, शायद डेढ़ केजी लगभग। और भिंडी भी देखिए एक केजी लगभग हो जाएगा। और इसमें लाल साग, कर्मी साग, हरा साग सभी है।